वो है सेंसस कंट्रोवर्सी। अब सेंसस क्या होता है? सेंसस आसान लफ्ज़ों में कहेंगे जी मर्दमशुमारी होते हैं। डिटेल में देखें तो जी सेंसस इंक्लूड्स टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, के सेंस मर्दमशुमारी है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, मुरतब किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है और फिर पब्लिश किया जाता है एक स्टेटिस्टिकल डाटा, किससे मुतलिक? पॉपुलेशन से मुतलिक और जियोग्राफिकल लोकेशन से मुतलिक। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई मर्दमशुमारी है क्या, क्या किस तरह ये मुरतब किया जाता है, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो अब ये है कि साथ साथ आप हिस्ट्री भी करते जाए करें कि देखें, अब अगर आपने सेंसिस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में मर्दमशुमारी कब हुई, पहली मर्दमशुमारी कब हुई, कितनी पॉपुलेशन थी, तो उस हवाले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो नतज आना स्टार्ट हुए थे इसकी मर्दमशुमारी के मुतलिक, तो उस पर तहफात का इजहार हमें देखने को मिला तमाम पार्टीज जानिब से, खासतौर पर कराची में जो है ना वो MQMP और जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस पर एतराज़ किया। उसके अलावा JAIF जो है वहाँ से भी हमें एतराज़ देखने को मिला। तो उस हवाले से यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई आबादी जो है ना उसको मुकम्मल तौर पे काउंट नहीं किया गया, अंडर काउंट किया गया है। ठीक है। तो ये सारे तहफ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं उसको माने, नहीं तो हम जो है वो इसके जो नतायज हैं उसको नहीं मानेंगे। अब उसके ऊपर क्या हुआ है, ये जो गवर्नमेंट जो थी ना, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट करें, दैट इज वाई द गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग बाय एक्सटेंडिंग द हेड काउंट टिल May 15th। ठीक है। तो अब ये इतने ज़्यादा इतराजात आने स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो हेड काउंट है, हमने ये सेंसस जो है हमारी मर्दमशुमारी है जिसमें हमने ये गिनना है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कब तक? May 15 तक, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो खुश नहीं थी ये जो रिजल्ट सामने आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यों इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर जो है डेटा सही नहीं होगा, एक तो देखें इस पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, सारी सिक्योरिटी सारी लगती है, उसके बाद जाके ये सारा कुछ होता है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना यहाँ पे किया हुआ है कि जो फिगर्स होते हैं फॉर द होल कंट्री नीड टू बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड स्पेशली व्हेन पॉपुलेशन कैरीज सो मच वेट इन द NFC अवार्ड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर पार्टीज एतराज़ कर रही हैं, अगर उनके एतराजात एड्रेस नहीं किए गए तो इशू क्या होगा? उन्होंने कहा जो फिगर्स जो कलेक्ट किए जाते हैं मुल्क के, उनको बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, खासतौर पर जब ये पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है NFC अवार्ड में, फिर इसी की बुनियाद पर हमारे क्या होता है डिटरमिन सीट इन पार्लियामेंट एक्सेट्रा। ठीक है, एक ये वजह है। और दूसरी बात करें, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर अ प्रोविंस लाइक बलोचिस्तान विच इज बिहाइंड इन ऑलमोस्ट ऑन इन मोस्ट इंडिकेटर्स। तो उन्होंने कहा खासतौर पर जो प्रोविंस है जिस तरह बलोचिस्तान है वो इंडिया पीछे है तमाम इंडिकेटर्स में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी हमें सिग्निफिकेंस है कि सेंसिस की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब इस हवाले से इसको हम देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या गवर्नमेंट किस तरह इनके एड्रेस कर पाएगी, वो भी तहफात थे मुख्तलिफ पार्टीज के। ठीक है। अच्छा, कहेंगे जी Unless there is broad-based acceptance of the results of the ongoing census amongst all political stakeholders, the expensive and time-consuming headcount may become an exercise in futility, much like its 2017 predecessor turned out to be. उन्होंने कहा जब तक एक ब्रॉड बेस्ड एक्सेप्टेंस नहीं होती, बड़े पैमाने पे इसको क्या है तस्लीम नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये नतायज हैं जो मर्दमशुमारी जो जारी है उसके तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में, तो ये एक तो उन्होंने कहा ये बड़े एक्सपेंसिव जो बड़ा महंगा और टाइम कंज्यूमिंग बड़ा टाइम ले रहा है हेड काउंट, ये मर्दमशुमारी जो है मे बिकम एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होती है कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है कामयाब ना हो, वर्थ वाइल ना हो। तो उन्होंने कहा ये जो सारी हमारी एक्टिविटी हो रही है, जो जिस पे इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, वो क्या है एक एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी होगी, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक ऐसी एक्टिविटी जी बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने कहा कि जी इट्स 2017 प्रेडिसेसर टर्न्ड आउट टू बी, किस तरह आपको पता होगा कि जी अभी वो हमारे पास मर्दमशुमारी हो रही है, इससे पहले 2017 में हुई थी। तो उन्होंने कहा जिस तरह 2017 में हमारे जो है ना वो ज़्यादा उसका कोई एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ था उस एक्टिविटी का, तो दिखाई देता है कि इस दफ़ा जो एक्सरसाइज हो रही है उसका भी अंजाम वही होगा जो 2017 वाले सेंसिस का हुआ था। ठीक है। For this, it is essential that the state ensures transparency, the gathering of data and tabulation of results. उन्होंने कहा इसलिए बड़ा essential है, बड़ा अहम है कि state जो है वो ensure करे, यकीनी बनाए transparency, शफाफियत कहाँ पे कि in the gathering of data, ये data collect किया जाता है and tabulation of results. Tabulation होता है मुरतब करना, कि वो नतायज को मुरतब करने के हवाले से उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए कि ये data collection है और जो उसकी बुनियाद पे वो result
नतज मुरतब करने हैं, ठीक है। और ये हमने ऊपर से कर लिया है कि इसलिए उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया कि जो हेड काउंट है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी, क्योंकि पार्टी 15 मई तक, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो खुश नहीं थी जो हमारे इसके सेंसस के नतज सामने आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, और ये 15 मई तक क्यों एक्सटेंड किया, उन्होंने कहा जी पोलिटिकल पार्टीज को ब्रीफ करेंगे इस स्टेटस ऑफ एक्सरसाइज, उनको एक तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेंगे इसके नतज से मुतलिक सेंसस के, ठीक है। Both parties within the coalition government as well as those in the opposition had raised doubts about the census. अच्छा, अब इसमें यह है कि किसी एक पार्टी की जानिब से इतराज नहीं उठा, उन्होंने कहा जी दोनों पार्टी की जानिब से, जो कोलेशन गवर्नमेंट भी है और खासतौर पर जो अपोजिशन में भी है, उन्होंने डाउट्स रेज किए हैं, इतराजात उठाए हैं इस सेंसस को लेके, ठीक है। Amongst the loudest critics of the head count is the PDM allied MQMP, which has dangled the prospect of leaving the government unless its reservations regarding the census are sufficiently addressed. Aur isme jo shamil hain jo jinhone tanqeed ki hai, sab zyada jo critics the naqreen the usme head count ke, usme PDM ke jo itihadi hain MQMP wo hain jispe unhone offer kiya hai ki ye imkan hai ki ji hum government छोड़ देंगे अगर जो हमारे रिजर्वेशन है, हमारे तहफात हैं ये सेंसस से मुतालिक, मर्दमशुमारी से मुतालिक, वो सफिशेंटली एड्रेस नहीं किए गए, उनका कोई हल नहीं निकाला गया, तो एमकेएमपी जो है उन्होंने कहा है कि जी हम जो गवर्नमेंट है उससे अलग हो जाएंगे। अच्छा, while the Mutahada has a long history of making demands of its partners and threatening to leave coalitions, there appears to be some substance in its criticism of the census. अच्छा, अब देखें अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें एमकेएम की, मुतहदा की, तो उनका हमेशा से ये होता था कि जी हमें कुछ मतलब कुछ दो वजारत वगैरह नहीं तो हम इधर से निकल जाएंगे कोएलिशन से, तो मतलब उन्हें क्या उसकी हिस्ट्री रही है वो यही काम करने की, कि वो सारा वक्त बस उधम काते रहते हैं कि नहीं जी हमारी ये मांगें पूरी करो नहीं तो हम जो हैं इससे इतिहाद से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा देर अपीयर्स टू बी सम सब्सटेंस इन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंसस, तो उन्होंने कहा एक तो ठीक है उनकी हिस्ट्री है वो ये करने की, लेकिन इस दफ़ा दिखाई देता है कि वाकई सब्सटेंस है, कोई जो एक ठोस जो वजन है उनकी बाद में, जो क्रिटिसिज्म है, तंकीद है सेंसस को लेके, ठीक है। अच्छा, MQM leaders say Karachi's population has been massively undercounted, with the party's head claiming the megacity's actual population is around 35 million, whereas the provisional results put the number is at just over 16 million. अच्छा, अब MQM leaders हैं उनकी क्या तहफ़ुज़ात है, उनका कि कराची की पॉपुलेशन को है ना बड़े पैमाने पे अंडरकाउंट किया गया है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना काउंट नहीं किया गया, कि उन्होंने कहा पार्टी हेड है उन्होंने दावा किया है कि वो मेगा सिटी की एक्चुअल पॉपुलेशन है, कराची की असल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 35 मिलियन है, वेयर एज द प्रोविजनल रिजल्ट्स पुट द नंबर्स एट जस्ट ओवर 16 मिलियन। तो उन्होंने कहा अभी मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन जो अभी बुरी हमारे नतज सामने आए हैं ठीक है, उसमें बताया गया है कि जो नंबर है वो सिर्फ कितना है 16 मिलियन है। अब देखें, अब थोड़ा बहुत गैप नहीं है, इतना ज़्यादा गैप है, तो इसी उस पर उन्होंने कहा कि जी 35 मिलियन होने चाहिए थे, आपने 16 मिलियन कहे हैं, तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है इसको क्या है अंडर काउंट है, तो उन्होंने कहा इसको आप दोबारा रिकनसाइल करें। Further, the MQM accused the PPP with roles in the systematic alteration of population figures. So, साथ ही साथ MQM ने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पे कि जी पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी जिसकी सिद्ध हुकूमत है, कि जी उन्होंने अल्ट्रेशन की है, तब्दीली की है, सिस्टमेटिक अल्ट्रेशन किसकी, पॉपुलेशन फिगर्स की, ठीक है। तो ये एतराजात हैं वहाँ पे हमें MQM पीस की जानिब से देखने को मिल रहे हैं। The Prime Minister assured an MQM delegation on Thursday that its grievances would be addressed. Ab zahir hai, unhone allies ko saath lekar chalna hai, to ye Prime Minister hai, unhone assure kiya, yakeen dilaya MQM delegation ko, MQM ke waft ko, Thursday ko, ke jo uske grievances hain, uske jo bhi shikayat hain, would be addressed, unko kya hai, hal kiya jayega, unko suna jayega. The MQM is not alone in its criticism. Unhone kaha sabse pehle to matlab yahan pe unhone MQM ki baat kiya, lekin MQM sirf akeli nahi hai criticism mein, tanqeed mein. Since the chief minister was quoted as saying that his administration would surely reject the results, aur usne ke chief minister hain, unhone ye quote kiya ki bhai jo unki administration hai, jo unki intizamiya hai, wo yakeenan jo hai na wo reject kar degi, rad kar degi results ko, theek hai. Acha, are you getting ji? This appears to be premature, though the PPP's grievances about undercounting, interestingly, support the MQM's argument. उन्होंने कहा ये बड़ा premature दिखाई देता है, premature होते कुछ इस वक्त से पहले हो, क्योंकि अभी देखें final result आया नहीं, लेकिन provisional results पे उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है undercount किया गया है, तो उन्होंने कहा ये बड़ा premature दिखाई देता है, अगरचे वो PPP के जो तहफात हैं, grievances हैं, शिकायत हैं इस undercounting को लेके, वो क्या है support करता है, back करता है MQM के argument को. Meanwhile, a JUIF chief, Maulana Fazlur Rahman, and their government ally also questioned the apparent decline in the urban census population. Aur saath saath MQM ne is pe tanqeed ki hi, jo JUIF ke chief hai Maulana Fazlur Rahman, unhone bhi jo ek aur jo government ke itihadi hain, unhone bhi sawalat utha diye, jo zahir jo hame decline dekhne ko mila hai, giravat dekhne ko mili hai urban census ki
population may. In the opposition camp, the Jamaat Islami has threatened protests if its reservations about Karachi's allegedly reduced numbers are not addressed. Aur ye opposition camp mein Jamaat Islami hai, unhone threaten kiya ki ji hum ehtijaj karenge ki agar hamari reservations hai, hamare tahaffuzat hain Karachi ki mubaina jo reduced numbers hain, jo kam undercount kiya gaya hai sari population ko are not addressed. Unhone kaha ji agar hamare ye jo tahaffuzat hain inko dur nahi kiya gaya to hum kya karenge, hum jo hai wo احتجاج کریں گے ٹھیک ہے اگر ہماری جو تحفظات ہیں ان کو نہیں ایڈریس کیا گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ صرف کراچی اور سندھ کے لیے نہیں ہے جو بھی مسائل آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی فگرز جو ہیں پورے ملک کے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر لیا تھا لیکن دوبارہ جلدی سے کر لیتے ہیں امپورٹنٹ لائنز ہیں کہ وہ فگرز ہیں پورے ملک کے ان کو ایکوریٹلی ریپرزینٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے این ایف سی ایوارڈ میں اور جو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے سیٹس پارلیمنٹ میں خاص طور پہ ٹرو ہے بلوچستان کے لیے جہاں جو پیچھے ہے موسٹ انڈیکیٹرز میں ٹھیک ہے اچھا Again, while there is a debate amongst experts to reduce the weightage given to population, the fact remains that the census numbers should be a truthful representation of facts and demographic realities. जहाँ पे वो है ना ये debate है बहस है experts के माबेन के भाई इसको कम कर देना चाहिए वो weightage है जो दी जाती है population को और fact remains हकीकत यह है कि वो census numbers हैं वो एक truthful representation होनी चाहिए पाकिस्तान की demographic reality के Lending credence to the criticism of the headcount was the Planning and Development Minister's observation on Friday that enumeration had been slow both in urban and remote areas. Acha, lend credence karna hota hai kisi, if something lends or gives credence to a theory or story, it makes it easier to believe. Theek hai? To lend credence karna kisi cheez ko, to usko kya hai, wo takfiyat pahunchata hai. To unhne kaha, yo tanqeed thi, lend credence to criticism ke usko aur sahi sabit karta hai us tanqeed ko, headcount ke se mutalik, wo ye hai ki Planning and Development Minister ki observation thi, Friday ko ki yo enumeration thi, جو کاؤنٹنگ کی گئی ہے ہیڈ بن سلو وہ کیا ہے وہ اس کی رفتار سلو رہی ہے سست رہی ہے اربن ایریاز میں بھی اور ریموٹ ایریاز میں بھی Moreover, during a recent combing operation in Karachi, it was discovered that several high-rise buildings were left uncounted. Aur saath-saath unhone kaha ki haliya jo combing operation hua hai Karachi mein usme ye pata chala ki jo high-rise kai jo several high-rise buildings thi wo kya tha were left uncounted ki unko yeh count nahi kiya gaya tha acha pbs pbs kya hota hai pakistan bureau of statistics unhone kaha jo bbs hai should continue to engage and share data with political stakeholders and experts so that any flaws in methodology or other anomalies can be identified and rectified unhone kaha jo pakistan bureau of statistics hai usko jari rakhna chahiye ki wo engage kare share kare data political stakeholders ke sath aur experts ke sath mahireen ke sath taki koi bhi jo flaws hain koi bhi kharabiyan hain isko methodology mein jo bhi jo method hai isko collect karne ka data ko aur dusre jo anomalies hain jo dusre aap keh lenge ji کوئی ایک ایسی چیز جو اب نارمل ہے جو اس سے روٹین سے ہٹ کے ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اس کی نشاندہی کی جائے اور ریکٹیفائڈ اور اس کو کیا ہے ٹھیک کیا جائے جو بھی فلاز ہیں جو انارملیز ہیں ان کو نشاندہی کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو اہمیت ہے سینسس کے مردم شماری کی اس حوالے سے ایڈیٹوریل تھا باقی میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا پاکستان کی مردم شماری کب ہوئی تھی اس کو آپ کمنٹ میں ضرور لکھے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لاسٹ میں نے پوچھا تھا آپ نے صرف بتانا ہے کہ پاکستان کی پہلی مردم شماری کس سن میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تھا آج کا ہمارا ایڈیٹوریل باقی آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے لیے 0312-419-1070 یہاں پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں جہاں ہم ڈیلی ایڈیٹوریل ویڈیو پی ڈی ایف ڈان ہائی لائٹس اور دوسرے انٹرنیشنل میگزینز اور نیوز پیپر شیئر کرتے ہیں 200 روپیز ایزی پیسہ پر منتھ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد